आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कटवर्म्स के बारे में। कटवर्म्स की जितनी भी स्पीशीज हैं, इनकी जनरली अपेयरेंस जो है वो सेम होती है। इनकी बॉडी स्मूथ होती है और बॉडी के ऊपर कुछ हेयर्स भी मौजूद होते हैं। जब ये फुली ग्रो हो जाते हैं तो इनका साइज जो है वो तकरीबन 2 इंचेस तक हो सकता है। कटवर्म्स जो है जब भी डिस्टर्ब होते हैं तो ये टाइट सी एंगल शेप बना लेते हैं। तो बताते चले आपको इनकी कुछ मुख्तलिफ स्पीशीज़ के बारे में, जिनमें ब्लैक कटवर्म्स, ब्राउन कटवर्म्स, डिंजी कटवर्म्स, ग्लासी कटवर्म्स, वेरीगेटेड कटवर्म्स और ब्लैक कटवर्म मौत शामिल हैं। तो बात कर लेते हैं इनके डैमेज के बारे में जिनकी ये वजूहात बनते हैं। कटवर्म जो होते हैं ये जनरल फीडर हैं जो कि अटैक करते हैं बहुत ही बड़े पैमाने पर प्लांट्स के ऊपर, और कॉमनली जो है ये वेजिटेबल्स के ऊपर अटैक करते हैं और खुद को फीड करवाते हैं, जिनमें बीन्स आ जाती हैं, कैबेज है, पोटैटोज हैं और टमाटोज। इस तरह की बहुत सारी वेजिटेबल्स और प्लांट्स हैं जिनके ऊपर कटवर्म जो है अटैक करते हैं और खुद को फीड करते हैं। फीड करते वक्त कटवर्म जो है ये अपनी बॉडी को कर्ल कर लेते हैं तने के इर्द गिर्द और फिर वहाँ से फीड करना स्टार्ट करते हैं। बॉडी को कर्ल करने की वजह से और वहाँ से फीड करने की वजह से तना जो है वहाँ से कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से प्लांट्स को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। दुनिया में नंबर्स ऑफ कटवर्म जो है वो पाए जाते हैं हर साल, बहुत ज़्यादा इनकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है। जैसे इनकी तादाद में इजाफा होता चला जाएगा तो आपके गार्डन को उतना ही ज़्यादा ये नुकसान देते जाएंगे। बात कर लेते हैं ब्लैक ब्राउन्स के बारे में। ब्लैक ब्राउन्स जो हैं ये सीरियस इंजरीज का बाइस बन सकते हैं और ये अटैक करते हैं प्लांट्स के ऊपर रात के वक्त। वेरीगेटेड कटवर्म जो हैं ये ट्रीज़ के ऊपर चढ़ने की सलाहियत रखते हैं और ऊपर जाकर तनों को कट करने की भी सलाहियत रखते हैं, साथ में पत्तों को नुकसान देते हैं और ऊपर जाकर फ्रूट्स को भी खा सकते हैं। और बात कर लीजिए ग्लासी कटवर्म्स के बारे में, तो ये सॉइल के पास ही रहते हैं और रूट्स के या फिर पौधे के अंदरूनी पार्ट्स के ऊपर हमलावर होते हैं। आपको बताते चलें कि आपके गार्डन में लगाए गए नए पौधे जो हैं वो ज़्यादा नुकसान उठा सकते हैं इनकी वजह से, क्योंकि उनके तने और जड़ें अभी इतनी मजबूत नहीं हुई होती, तो वो जल्द अज जल्द जो है वो इनका शिकार बन सकते हैं। तो वो कटवर्म हो या कोई भी पेस्ट हो, आप अभी TPL पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज को हायर कर सकते हैं ताकि हमारा नुमाइंदा आपकी जगह को विजिट करे और फिर मजीद प्रोसेस को स्टार्ट करे। और TPL पेस्ट कंट्रोल की सर्विसेज को हासिल करने के लिए आप नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर अभी रابطہ कर सकते हैं।